वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। सत्संग जी, फतेह गजाओ, वाहेगुरु जी की विती लंगर होवेगा। ये गुरु दियां रीतियां ने, ये गुरु दियां मर्यादा ने। आरंभ वेले भी अरदास करो ते समाप्ति वेले भी नक रगड़ो ते अरदास करके ते लंगर करो ते तुहाडे कीतियां जोगणियां प्रवान होन। ये 40 दिन दियां मेहनतां ते जोगणियां कल फल लगना है ते फल लगन वेले जे घर बह गए ते फिर पा फल कौन लवेगा। कल फल दा मौका है, दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल, एक जगंदे नाल हन एक ना सुतिया दे उठा। जे मेरे वर्गे नहीं आए ते कल आ जावन ते उना नू ही फल मिल जाएगा। ए रब दी दात है जिसनू दे देवे, पर मंगना पैना, सेवा करनी पैना। कल लंगर भी करना है, दरबार साहब केवरी दर्शन करी दे ते बाबे बुढ़े दी बेर वेखे चारे बाइया ने, एक पूरब आले पासे एक पश्चिम आले पासे निशानियां लगिया हुई ने, उथों आवाजा पईया आंदियां ने, भाई ए सेवा इन्ना कीती ते इन्हां दियां बेरां कायम ने। ए बाबे बुढ़े दी बेर, ए भाई सालो दी बेर, ए भाई गुरदास जी ने इधर सेवा की, इधर गुरु अर्जन देव थड़े साहब जिथे दुख भंजनी साहब संगत इशनान कर दिया ने, माइया बीबिया का भी पौना बनिया, वड्डा सारा थड़ा है, उत्थे गुरु अर्जन देव आप सेवा करते होंगे। उत्थे जाओ ते आवाजा पियां आउंदियां ने। जे पिपली साहब जाओ भाई, एक बारी फिर पढ़ लो, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन लंगर तैयार करो, संगत आई है। ये प्रथा गुरु ने आप चलाई, किसे कार्ज नू करना होवे ते अरदास करके लंगर करो, तुहाडे सारे कार्ज गुरु पूरे करेगा, तुहानू सारे फल प्राप्त हो जाणगे। गुरु महाराज ने अपने परिवार कोल करवाई, आप कीती, लंगर तैयार हो गया। चलो चलिए, दरबार साहिब दे दर्शन करन वास्ते संगतां आईयां ने, उन्हां नूं लंगर छकाना है। साध संगत उत्थे पहुंच गए, जो दरबार साहब तू करीबन 2-3 मील पुतली घर स्टेशन तू ही परे, उत्थे गुरु महाराज परिवार समेत माता गंगा समेत लंगर चुकिया होया है, उत्थे पहुंच गए ने। कोई साधन नहीं सी हुंदा, समा यह जहा सी, ना गड्डिया ना मोटर ना कारा, थके हुए टुटे हुए। पता लगा गुरु अर्जन देव जी नो भी संगत आई है दरबार साहब के दर्शन करने वास्ते, पर इस वेले भूख भी लगी हुई है, थके हुए भी ने। महाराज धन गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह आप उन्होंने सेवा पिया करता है। ये रीतियां गुरु महाराज ने आप जिस गुरु अर्जन देव जी दे गुरपुरब नू मना रहे हो या कल लंगर करना जे, वो यही प्रेरणा करते सन भाई आप हत्था नाल सेवा करो, जिवें मैं कीती है, जिवें मैं परिवार कोलू करवाई है। ये रीतियां उन्होंने आप पाईया सन, जिथे सुखमनी की दात बख्शी है, जिथे शब्द गुरु प्रकाशिया है, उत्थे नाल सेवा की दात भी बख्शी है। जे सेवा न करे ते फिर पाठ का फल जड़ा है वह तद ही मिलेगा जे सेवा भी करेगा।
होनी बीबियां बच्चियां दे कोलों इस चलिए दे विच शब्द पढ़ते रहे हो सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित जिसनू मिलती है ओ ही फल प्राप्त करता जिसनू सेवा नहीं मिली ओनू फल नहीं मिलता। तो प्यारियो मेरिया मातावां ते भैणा हो जिसने गुरु दियां खुशियां लैनिया होवन ओ संगत दी सेवा करे संगत नू लंगर छकावे पानी पखा पीसो दास के तब होए निहाल राज मिलक सिकदारिया ए अग्नि में जाल। तो गुरु महाराज मेहर करन ज्यादा वक्त हुण ना लावा अज सिर्फ यही तुहान बेनती करनी है कर गुरु का लंगर जो तुसी 40 दे दिन शुरू कीता है कल उदी समाप्ति है ते लंगर संगत वालों कह दो महापुरखों वालों कह दो दास ने तो सिर्फ बेनती करनी है बस उस तू ज्यादा नहीं कहना संगत नू पता है ये जरूर बेनती करांगा भई गुरु दी संगत दी सेवा दा फल बहुत कुछ प्राप्त होंदा है मन चिंदिया फल पावना उन्होंने मन इच्छित फल जेड़े हैं वह प्राप्त हो जाते ने। तो कल अरदास होनी है कि सच्चा पातशाह 40 दिन तुहाडे चरणा विच हाजरी भरी है ते जिथे अरदास कीती है उत्थे लंगर उस खुशी दे विच कीता जांदा है ते आप मेहर करो बख्शिश करो ते ए सेवा जिहड़ी है वह सफल करो ते प्रवान करो इतनी बेनती करदे होया नाल ही महापुरखां वल्लों आग्या होई सी बई कल तो समाप्ति है फिर महापुरखां दे अस्थान जिन्हां दे हमेशा जग समागम तुसी मनांदे हो फिर 21 दिन फिर महापुरशां दी उन्हां दी याद विच उन्हां दे प्यार विच जग समागम तक 21 दिन फिर बीबियां बच्चियां कीर्तन करनगियां। ते कल भाई जरूर दास वालों भी बेनती है जेड़े अगे कदे नहीं आए तुहाडे आंढी गुआंढी बैठे हुए हैं कोई उन्हां नूं भी बेनती कर देनी भाई सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी दी याद विच 40 दिन कीर्तन होया है जिन्हां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कोलों दातां प्राप्त करनिया ने फल लैना है वह कल अरदास विच हाजरियां भरो ते महाराज दे कोल मंगा मंगीए कि सच्चा पातशाह जो सेवा दा फल जो सिमरन दा फल जो बाणी दा फल या जो रीतियां आपने गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह शब्द गुरु प्रकाशो विच है वह दाता सानू भी प्राप्त होवन ये मंग मंगनी है। ज़्यादा वक्त ना लावा कई लोग विचार भी करते होने ने अगे वक्त से भोग पै जाता सी अरदास हो जाती सी जरूरत भी नहीं होंगी पर महापुरखों दियाँ खुशियां लैन वास्ते दास 2-4 मिनट तुहाडे दर्शन करता है दास फिर तुहानू बेनती करेगा करीबन सारी समाप्ति 7:30-8 बजे जड़ा है वह लंगर वरताया जाएगा आप कृपा करके। तो प्यारियो महापुरखों की जड़ी आग्ञा होंगी उसनू कोई मोड़ नहीं सकता पर जिमें वो करते हैं उन्हां दियां लीलावां हुंदियां ने इस पासे अजे ना लाओ सतगुरु महाराज मेहर करन बख्शिश करन फिर बेनती कर देवां कल लंगर है रल मिल करके सभे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बारा जियो ये लंगर संगत वलों कह दो गुरु वलों कह दो महापुरखां वलों कह दो प्रेमियां वलों कह दो ये महापुरुष जान जां तुसी जाणो आओ अरदास करिए।